नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पारितोष मलिक। भारत में सब कुछ आके जनेऊधारी हो जाता है, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फेसबुक भारत में राजनीतिक विवाद में फंस गया बुरी तरह। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक ने RSS और वैचारिक रूप से संघ के करीबी माने जाने वाली सत्तारूढ़ BJP की मदद कर रही है। अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में फेसबुक के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से ये दावा किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं की हेट स्पीचेस और सांप्रदायिक कंटेंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फेसबुक के पास ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के भी मालिकाना हक हैं, जिसके बाद से निष्पक्षता को लेकर फेसबुक के दावे पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और खड़ा होना लाजमी भी है। विश्लेषकों का कहना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से फेसबुक पर लगाए गए आरोपों ने इनकी निष्पक्षता के दावे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। इस आरोप की वजह से फेसबुक पर चले 2014 और 2019 के चुनावी अभियानों को भी शक की निगाहों से देखे जाने लगा है। इन दोनों चुनाव में BJP ने भारी बहुमत मिला था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक पर जाय गुहा ठुकराता ने पिछले साल आई अपनी किताब में BJP और फेसबुक के रिश्ते की पड़ताल की थी। ठाकुरता कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि फेसबुक और व्हाट्सएप ने पिछले दो लोकसभा चुनाव के नतीजे को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी ने भारत में फेसबुक की भूमिका उनकी जांच पर मोहर ही लगा दी है। वो कहते हैं भारत में 40 करोड़ फेसबुक यूज़र है और 90 करोड़ वोटर। देश में चुनाव से पहले, बाद में और इसके दौरान इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों ने किसे वोट डाला और कैसे वोट डाला, इस पर निश्चित तौर पर इनका बड़ा असर पड़ता है। संक्षिप्त में कहें तो आज की तारीख में फेसबुक और व्हाट्सएप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आलोचकों का कहना है कि फेसबुक अलग अलग देशों में अलग अलग नियम और गाइडलाइंस बनाता है। फेसबुक दूसरे देशों में सत्ताधारी दलों के आगे हथियार डाल देता है, लेकिन अमेरिका में जहां इसका मुख्यालय है वहां राजनीति से दूर बनाया दिखता है, ये इसका दोहरा रवैया है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने संसद की संयुक्त कमेटी से इसकी जांच कराने की भी मांग की है। मामले के तूल पकड़ते देख अमेरिका में अपने मुख्यालय से बयान जारी करते हुए फेसबुक ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनके बयान में कहा गया कि हम हिंसा भड़काने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को रोकते हैं। पूरी दुनिया में हमारी ये पॉलिसी लागू है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं लेते और ना ही हमारा किसी से जुड़ाव है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा है, खासतौर पर भारत में, क्योंकि भारत में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीच फेसबुक पर दे चुके हैं, उनको डिलीट सही समय पर नहीं किया। चाहे बात करें अनुराग ठाकुर की या कपिल मिश्रा की, इन लोगों की स्पीच फेसबुक पर समय पर क्यों नहीं डिलीट किए गए, सोचने वाली बात है। और जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये आरोप सही है, फेसबुक RSS और BJP की मदद कर रही है। ऐसा लोग फेसबुक पर और ट्विटर पर भी लिख रहे हैं, फेसबुक ने संघ से हाथ मिला लिया है। वहीं अब फेसबुक ने भी माना कि इस तरह के मामले में से बचने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा और फेसबुक ने अपने बयान में आगे कहा, हमें पता है कि इस दिशा में अभी कुछ और कदम उठाने होंगे, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया में लगातार ऑडिट और उन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारी निष्पक्षता और सटीकता पर आँच न आए। फेसबुक के ऐसे बयान को लेकर साफ पता चलता है कि दाल में बहुत कुछ काला है, नहीं तो फेसबुक जैसी बड़ी वेबसाइट, बड़ा प्लेटफॉर्म सफाई क्यों दे। फेसबुक और BJP सरकार के बीच संबंधों की खबर पर ठाकुरता ने साफ कहा है कि पिछले साल जब मैंने फेसबुक पर किताब लिखी और इसके और व्हाट्सएप में मोदी सरकार की नज़दीकी रिश्ते का ब्यौरा दिया तो मीडिया ने इसे नज़रअंदाज किया। अब जब विदेशी अखबार ने यह मुद्दा उठाया है तो मीडिया में गजब की फुर्ती और दिलचस्पी दिख रही है। ठाकुरता ने एक चर्चित मीडिया संस्थान से कहा कि फेसबुक और मोदी की पार्टी BJP की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मोदी को सत्ता में पहुंचाने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते बन चुके थे। उन्होंने आगे कहा, 2013 में मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही
फेसबुक और बीजेपी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे। उन्होंने बताया और लिखा अपने किताब में कैसे फेसबुक के कुछ आला अफसरों ने बीजेपी के आईटी सेल, इसके अलावा मीडिया विंग और फिर बाद में पीएमओ में मोदी के कर्मियों के साथ मिलकर काम किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा है कि अगर यह प्लेटफॉर्म हेट स्पीच या दूसरी नियमों के उल्लंघन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कदम उठाती तो देश में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं को चोट पहुंचती। इस स्टोरी में कहा गया कि फेसबुक के पास बीजेपी का पक्ष लेने का एक विस्तृत पैटर्न है। हालांकि बीजेपी अब इस आरोप से इनकार कर रही है, फेसबुक ने उसकी कोई मदद नहीं की, बीजेपी का साफ कहना है। आपको याद ही होगा जुकरबर्ग की पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर आलोचना हुई थी। फेसबुक के शुरुआती दौर में इसमें काम कर चुके 30 कर्मचारियों ने सार्वजनिक तौर पर एक चिट्ठी लिख कर कहा था कि ट्रंप का पोस्ट को मॉडरेट करने से फेसबुक इनकार कर रही है। ठीक वैसा ही हुआ था, इनके अमेरिकी जनता को उन खतरों की ओर धकेल दिया गया है जिन्हें वो पहले ही देख चुके थे। इस पत्र में फेसबुक पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकार सिद्धार्थ रामू अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, सारे पतनशील तत्व एकजुट हो गए हैं, प्रगतिशील बहुजन तत्वों को भी अब एकजुट होना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि भारत में हिंदू कट्टरपंथ को प्रचारित प्रसारित करने, मुसलमान यो अन्य के खिलाफ घृणा फैलाने, संघ भाजपा को फेसबुक मदद पहुंचाने में अच्छा खासा काम और ये जानबूझकर कर रही है। दूसरे समुदाय के प्रति घृणा आधारित पोस्टों को चेक करने और उन्हें ब्लॉक करने की खुद की नीति के खिलाफ जाकर फेसबुक ने संघ भाजपा और उनकी आईटी सेल की घृणा आधिकारिक पोस्टों को रोकने को कौन कहे, उसे बढ़ावा फेसबुक ही दे रही है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और फेसबुक का साफ तौर पर निर्देश था कि संघ भाजपा के घृणा आधारित इन पोस्टों को रोका न जाए क्योंकि ऐसा करने से केंद्र सरकार नाराज हो सकती है। फेसबुक की इंडिया की हेड का बीजेपी और विशेषकर प्रधानमंत्री से गहरे रिश्ते भी जगजाहिर हो चुके हैं। अब फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी का सीधा आर्थिक गठजोड़ भी हो चुका है। फेसबुक के मालिक मार्क मुकेश अंबानी और संघ भाजपा का मिलाव करीब करीब देश के मीडिया तंत्र और सूचना तंत्र पर भी पूरी तरह नियंत्रण हो चुका है। अन्य संस्थान जो उनके कब्जे में भी आ गए हैं, जिस सोशल मीडिया को हम अपना समझते हैं वो मनुष्यता के दुश्मन, मुनाफेखार गिद्धों और सत्ता की हवस के शिकार नेताओं पार्टियों के मिलाव के नियंत्रण में आ चुका है। मुकेश अंबानी और किसी कीमत पर सत्ता की राह रखने वाले मोदी जैसे लोगों को देश ही नहीं दुनिया पर नियंत्रण है। कहीं मोदी है तो कहीं ट्रंप, कहीं कोई और। खैर, जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता दूं। सोशल मीडिया का राजनीतिक या कोई और दूसरा मकसद नहीं है, उसका एकमात्र मकसद है मुनाफा और पैसे कमाना है। फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपये का निवेश किया है ताकि भारत में इसका धंधा और बढ़े। और आप रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी का रिश्ता बीजेपी से कैसा है सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है और आपको भी पता है। वहीं यूजर की तादाद के हिसाब से भारत फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है। देश की 25% आबादी तक इसकी पहुंच है, 2023 तक 31% लोगों तक पहुँच सकता है, व्हाट्सएप की पहुँच तो और भी ज़्यादा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फेसबुक अपने मुनाफे के चक्कर में किसी राजनीतिक दल का अगर फेवर कर रही है तो इससे देश के लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र का एक तरह से कहें तो हत्या भी है। तो ऐसे में सभी को मिलकर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये घिनौना काम रुक सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।